मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजगुरु शर्मा आज फिर आप लोगों के लिए कुछ नया बताने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जिस घर में ऊपरी बाधा होती है, ऊपरी चक्कर होते हैं, या जिस घर में बच्चे रात को डर जाते हैं, या कुछ अवाल बवाल उल्टी सीधी चीज घर में दिखाई देती है, तो मैं उसके लिए कुछ छोटा सा उपाय आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम 8 किलो नमक लेकर आना है आपको साबुत, और कम से कम 2 शीशी फिनाइल के लेकर आनी है 500 ग्राम की। और उसके बाद आपको लेकर आनी है आधी किलो सामग्री, 100 ग्राम इंद्रजो, 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम 5 तरह की मेवा लेकर आनी है, और आधी किलो लेकर आना आपको घी देसी। तो घी को तो आप सामग्री में मिला के सबको तैयार कर ले, काले तिल इंद्रजो और जो 5 तरह की मेवा है और देसी घी, उन सबको मिक्सर करके आप एक और रख ले रहे हैं। फिर आपको मंगलवार से मंगलवार ये 8 दिन लगातार काम करना है। तो मंगलवार को आप क्या करना, सबसे पहले आप नहा धोकर पूरे घर की सफाई करोगे, घर में कोई उल्टी सीधी टूटी फूटी चीज नहीं हो, कोई जली फूकी चीज नहीं हो, अगर घर में तरे डाल रही है तो उसे सीमेंट लगा कर भरवा दे रहे हैं। और जो घर में सवेरे को सादा पानी से धोकर पूरे घर को, उसके बाद आप गर्म पानी करेंगे, उसमें 1 किलो नमक डालेंगे साबुत, उससे उबाल कर उसे पूरे घर में पोछा लगाएंगे उसका। उसके बाद फिर फिनाइल का पोछा लगाएंगे, यानी कि पहले सादा पानी से धोओगे पूरे घर को, फिर नमक के पानी से आप उसको पोछा लगाएंगे, उसके बाद फिर फिनाइल के तेल का पोछा लगाएंगे। इससे 3 बार पोछा लगाने के बाद घर में फिर आप नहा धोकर हनुमान जी के एक मूर्ति रखेंगे, जहां आप जोत जलाते हो, पूजा पाठ करते हो, वहां आप जोत जलाकर गंगा जल लेंगे। गंगा जल में 7 लौंग डालकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वहां पर। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप उसकी हनुमान जी की आरती बोलेंगे। आरती बोलने के बाद आपको वो जो जल होता है उस जल में 8 बार फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद उस पूरे जल जो उसको जल होता है कटोरी में, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सबको 3-3 चम्मच आप उनको खिलाएंगे, और खुद भी 3 चम्मच आप पियोगे। उसके बाद पूरे घर में उसको छिड़क दोगे। तो आपको डेली ये प्रक्रिया डेली करनी है आपको 8 दिन लगातार, मंगलवार से मंगलवार तक। जब आपके मंगलवार पूरे हो जाए 8 दिन, तो अगले मंगलवार जो लास्ट वाला मंगलवार आता है, 8वां दिन जो आता है, उस दिन आप पूरा काम करने के बाद छोटा सा हवन करेंगे। हवन करने हनुमान जी के मंदिर में जाओगे, वहां आप लाल चोला, हनुमान जी का चोला चढ़ाओगे। आप हनुमान जी का चोला चढ़ाकर आप प्रसाद बांट देना, आपके घर की जो दिक्कत है परेशानी सब खत्म हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको छोटा सा नुकता बताया है घरेलू, आप इसे करोगे तो 100% आपको फायदा मिलेगा। तो फिर मैं आपको कल फिर किसी और संदेश के साथ, किसी और नई बात को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। लेकिन जाते जाते विदा लेते हुए आपसे यही कहूंगा कि हमारे RGM प्रोडक्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लाइक करना ना भूले।